ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति, अर्थात ध्यान के माध्यम से हम एक सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त करें, यानी जिसका उद्देश्य है कि हम एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे हमारी लाइफ या फिर हमारा मन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां पर हमें ये अनुभव हो कि शायद इसी ज्ञान की हमें तलाश थी। सो मैं संदीप वैश्य, एज अ मेडिटेशन ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल काउंसलर और वेलनेस काउंसलर, आज हम आपसे बात करेंगे ध्यान के बारे में और ध्यान क्या है वास्तव में, उसकी रियल डेफिनेशन एंड ध्यान के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इस समय जैसा कि आप सुनते हैं कि लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और लोग जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, मोस्टली अब तो सुनने में आता है कि वो उसको मेडिटेशन ही बता देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है जानना है कि वास्तव में हम मेडिटेशन किसको कह सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने सुना है लोग कोई भी पद्धति अपना रहे हैं और उसको मेडिटेशन कह रहे हैं। अगर आप अपना माला भी जप रहे हैं उसको भी मेडिटेशन कर रहे हैं। इस तरह तो अगर कहा जाए तो अगर हम बोल भी रहे हैं वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, अगर हम खाना खा रहे हैं वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। मीन्स अगर इस तरह से एलोबरेट करें तो कहीं ना कहीं हर चीज ध्यान है, ध्यान से हम कर रहे हैं। लेकिन यहां जो मेडिटेशन का अर्थ है या वो उसको एक्सप्रेस करने का भाव जो है वो यही है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा सिस्टम कह लीजिए, एक ऐसा भाव कह लीजिए जो धर्मों के प्रभाव से परे हो, एक साइंटिफिक अप्रोच जिसको कहते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो और वो आपको कुछ अलग तरीके की अनुभूति कराए। मैंने सुना है कि कई प्रकार के मेडिटेशन लोग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं धर्मों से जब जुड़ जाता है तो हम मेडिटेशन को एक बहुत ही आप ये कह लीजिए कि बहुत ही छोटा रूप दे देते हैं, यानी उसका जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं हम खत्म कर देते हैं या किल कर देते हैं। सो मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक प्रक्रिया है। मेडिटेशन को हम किसी धर्म में नहीं बांध सकते हैं, किसी ऐसे प्रोसेस में नहीं बांध सकते हैं जो बहुत ही शॉर्ट हो। मेडिटेशन ध्यान अर्थात हम अपने आप को समझें, अपने आसपास के वातावरण को समझें और उससे भी परे इस ब्रह्मांड को समझें, और अगर उससे भी ज्यादा समझ सकें तो बहुत ही हाई लेवल का मेडिटेशन हो गया। उसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम आपको यही हिंट देना चाहेंगे कि मेडिटेशन ध्यान का अर्थ यही है कि आप जो इस समय वर्तमान लाइफ जी रहे हैं, वर्तमान पल, इवन जो करंट मोमेंट है, इवन उसको महसूस करने की शक्ति आपके अंदर आ जाए। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह भी हैं, उस मोमेंट को समझने का प्रयास करें, और अगर आप उसको समझने में सक्षम हो जाते हैं इसका मतलब आप एक रियल ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि मेडिटेशन में बैठकर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें आगे आने वाले जो 50 जन्म है या 60 जन्म है, 70 जन्म है, उसमें बहुत सुख की प्राप्ति हो जाए, राजपाट मिल जाए हमें कहीं का। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये सब चीजें मन में रख रहे हैं, इन सब चीजों को मन में कहीं ना कहीं रखते हुए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप खुद बताएं कि आपका ध्यान फिर कहां जाएगा। हमारा राइट और रॉन्ग आप बताइएगा। सो मेडिटेशन की प्रक्रिया है, अभी आप अपने आप को समझें, वर्तमान को जीने का अभ्यास करें। मेडिटेशन की प्रक्रिया आपको यही बताती है, और अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का लालच पनपने लगा तब आपका ध्यान जो है वो आपका खुद पर से ध्यान हट करके उस पर्टिकुलर चीज पर चला जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकते हैं। सो आप खुद इस कॉन्सेप्ट को अपने मन में एनालिसिस करिएगा और हमें बताइएगा कि क्या वो मेडिटेशन हो सकता है या फिर
एक ऐसा मेडिटेशन, एक ऐसा ध्यान जिसमें हम स्वयं के ऊपर एक अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, स्वयं को समझने में, अपने चारों ओर के वातावरण को समझने में एक अपनी ऊर्जा को हम फोकस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ जी, मेडिटेशन के नाम पर लोग भ्रमित भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर भय बिठा रहे हैं। हालांकि फिर अगेन आपसे यही कहूंगा कि किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग डरा रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोगों को डराने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अगर हम किसी को कुछ थोड़ा बहुत डराएंगे नहीं तो हमारी संस्था कैसे चलेगी, हमें लोग जानेंगे कैसे। अभी मैंने एक स्पीकर को सुना, उन्होंने कहा कि अगर हम एक ग्लास पानी पी रहे हैं, सामने रखा हुआ है, और अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया तो उसमें क्या हो जाते हैं, नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी। ये बहुत ही अब आप इसको अब अपने अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ भी समझ सकते हैं, या फिर अगर आप भय में आना चाहें तो भय में भी आ जाइए। फिर तो जो इस तरह अगर इस प्रकार के डर में आएगा तो वो क्या करेगा, फटाफट पानी पूरा गटक जाएगा। सो अगर आप इतना ज्यादा डरेंगे, या फिर मैं उस स्पीकर के लिए कहता हूं कि अगर आप इतना ज्यादा डरा रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप छोटी मोटी अपनी अपनी एक प्रकार की प्रसिद्धि के लिए, फेमिसिटी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद आपको ये नहीं करना चाहिए, और आप इस पर विचार करें, चिंतन करें, और उसके बाद लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। सो इस तरीके का जो डर है जो समाज में आप फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उस डर से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस प्रकार के डर में रहेंगे तो हम ध्यान की ओर कैसे बढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही ध्यान से कैवल्य की ओर, और हमारा काम है कि हम आपको बिल्कुल सचेत करते रहें, क्योंकि यहां पर हम आपको डरने के लिए नहीं बल्कि निडर होने के लिए ध्यान से कैवल्य की ओर लिए जा रहे हैं। सो आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ ग्रुप मेडिटेशन स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं। और इस समय मेडिटेशन के अल्फा बीटा गामा कोर्सेज भी चल रहे हैं ऑनलाइन, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, नमस्कार।